हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं काजा में, सुबह का 8 बज रहा है। अभी ये होटल है जिसमें हम कल रात में आके रुक गए थे। ये हमारा द हेरिटेज पीती जलसा, इसमें आके रात में हम रुके थे। अभी सुबह का 8 बज गया, यहाँ से हम आगे जा रहे हैं मनाली की तरफ। लगभग 180 किलोमीटर का पूरा रास्ता है ऑफ रोडिंग वाला। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। अभी बस सारा सामान हमारा गाड़ी में पैक हो चुका है और बस निकलने वाले हम लोग। आगे मिलते हैं कहीं आपसे ऊपर चढ़ के। अभी तो ये नीचे है पूरा, ये सब घर बने यहाँ पे। आगे चल के मिलते हैं आपसे। तो गाइज, अभी हम लोग काजा से निकले ही थे बस, और काजा में ही एक पेट्रोल पंप है ये इंडियन ऑयल का यहाँ पे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 8:30 बजे खुलेगा। सब गाड़ियाँ यहाँ पे लाइन से खड़ी हैं। और हम आगे जा चुके थे पहले, फिर हमें लगा कि पेट्रोल पंप तो आगे है नहीं, तो इसलिए हम पीछे आके फिर से मतलब 1 किलोमीटर आगे निकल गए थे। फिर यहीं पे आए, लेकिन ये भी बंद है। लेकिन पेट्रोल यहाँ से डला के ही चलेंगे, क्योंकि अभी हमारी गाड़ी की रेंज जो आ रही है वो 300 किलोमीटर की आ रही है। और लेकिन हमें उसमें अभी चीचम ब्रिज भी जाना है, वो थोड़ा रोड से हट के जाना पड़ता है अलग साइड में थोड़ा सा, फिर वहाँ से आना है। ऑफ रोडिंग है पूरी मनाली वाली रोड, तो पेट्रोल फुल होना चाहिए। कोई रिस्क वाला काम नहीं है, क्यों भाई? कोई रिस्क वाला काम नहीं होना चाहिए, तो फिर कोई हेडेक नहीं रह जाएगी। अभी पेट्रोल पंप खुल जाए, पेट्रोल डलाएं, फुल कराएं टंकी, फिर आगे निकले। तो गाइस, अभी हम लोग चीचम ब्रिज बस पहुंच गए हैं। यहाँ पे सिर्फ 200 मीटर 100 मीटर की दूरी दिखा रहा है बस, यहीं पे ये है चीचम ब्रिज। ये देखिए, ये चीचम ब्रिज आ गया हम लोग, ये सामने आ गया चीचम ब्रिज, ये है चीचम ब्रिज। तो ये अभी हम चल रहे हैं चीचम ब्रिज के ऊपर। अभी साइड में कहीं गाड़ी लगाएंगे, फिर फोटो वीडियो करेंगे अच्छे से। एक बार फिर से हमने गाड़ी अपनी घुमाई है चीचम ब्रिज पे ले जाने के लिए। गाइज, अभी हम हैं चीचम ब्रिज के ऊपर। ये है स्पीति वैली में। ये ब्रिज जो है दो विलेज को कनेक्ट करता है, किब्बर और चीचम को। और ये एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है, हाईएस्ट ब्रिज। 13,496 फीट की ऊंचाई पे ये ब्रिज बनाया गया है। बहुत ही कमाल का नज़ारा है इस ब्रिज के आसपास, बहुत ही बढ़िया। अब ये देखिए, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रुके थे फ़ोटो वीडियोज़ के लिए। अभी अच्छे से फ़ोटो वीडियोज़ कर रहे हैं। सामने से सनलाइट आ रही है, तो थोड़ा सा क्या हो रहा है ना कि फ़ोटो देख के लेनी पड़ रही, क्योंकि एकदम काली हो जा रही फ़ोटो। लेकिन गोप्रो में एकदम सही से आ रहा है, इसलिए मैं गोप्रो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया नज़ारे आ रहे हैं। मैं आपको सामने का दिखाता हूँ, इधर नीचे का ये देखिए, पूरे नीचे में ये नदी है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए। और इस साइड से एक बार पीछे से दिखाता हूँ, जैसे अपनी तरफ से, तो ये मैं दिखाता हूँ यहाँ से, देखिए ये देखिए, ये नदी इधर से होके जा रही है। बहुत ऊँचाई पर ब्रिज है, 13,496 फीट की ऊँचाई पर ये ब्रिज बना हुआ है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का नज़ारा है यहाँ पे। गाइस, अभी मनाली यहाँ से बचा हुआ है 100 किलोमीटर के आसपास, और हवा बहुत तेज चल रही है। ये देखो, जैकेट इतने तेज से उड़ रहा है, इतनी तेज हवा है, बहुत तेज हवा चल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया अच्छा लग रहा था हम लोग को, यहाँ पे रुके हैं। एक प्लेन जमीन सी थी, यहाँ पे गाड़ी आग लगाती है। ये देखो, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। ये देखिए गाड़ी की हालत कितनी ज़्यादा गंदी हो गई गाड़ी। और रोड जो है ना, बहुत ख़राब रोड है यहाँ पे। जो आगे रोड था पूरा गिट्टी वाला रोड है, एकदम गिट्टी बजरी पड़ी हुई है। लगभग 100 किलोमीटर तक रोड ऐसे ही, ये लोग बता रहे हैं। अभी तो हम लोग 50 किलोमीटर से आ रहे हैं, ऐसे ही मिला है, पूरा रोड ख़राब है, एकदम टायरों की बैंड बजी जा रही है, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। चलिए अभी चलते हैं यहाँ से, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। ये काजा से मनाली जो रोड गई है, बहुत ही ज़्यादा पूरी ऑफ रोडिंग रोड है, पूरी ऑफ रोडिंग। कहीं पर भी हमें अभी तक डामर देखने को मिली ही नहीं है, इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग रोड है ये। देखो, बस आ गई तो पूरा साइड में ही करना पड़ जा रहा है। ये देखो, इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है ये, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है, पूरी गिट्टी बजरी वाली रोड है पूरी की पूरी। इसमें दो गाड़ी एक साथ में निकलना इतना मुश्किल हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा। ये देखो, इतनी धूल उड़ रही है, ऐसी रोड है। लगभग 150 किलोमीटर का ये जो रोड है काजा से, पूरा का पूरा ये ख़राब है। अभी यहाँ पर फिर से गाड़ी रुक गई है, क्योंकि ये देखो ट्रक लोड किया जा रहा है मलबे से। अब ये जब लोड हो जाएगा, आगे जाएगा, तब फिर रोड ये क्लियर होगी। तो यहाँ पे कई बार ऐसा हो जा रहा है कि बार बार ऐसे काम चल रहा है, तो वहाँ पे फिर टाइम लग जा रहा है, गाड़ी रोकनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है ये जो मनाली से काजा वाला रोड है, एकदम ऑफ रोडिंग है, एकदम ऑफ रोडिंग। बहुत टाइम लगता है इसमें, 100-150 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। यहाँ के रोडें बहुत ख़राब हैं, बिल्कुल भी डामर रोड देखने को नहीं मिल रही है, एकदम गिट्टी है पूरे में, पूरे में ऐसे ही चल रहा है बराबर। जहाँ जहाँ
से होके अभी आए हैं, लगभग 60-70 किलोमीटर तो आ ही गए, वो सब ऐसे था और अभी आगे भी सब ऐसे ही। ये रोड वैसे बाइक के लिए अच्छी है, अगर बाइकर हैं तो फिर उनके लिए तो फटाफट ऑफ रोडिंग बाइक को निकालते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बाइकर जा रहे हैं, तो इन लोगों के लिए तो नहीं दिक्कत है, कूदते हुए चले जाते हैं। लेकिन कार में दिक्कत होती है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस अगर कम है गाड़ी का तो बहुत बचाना पड़ता है, अगर ऊंची गाड़ी है तो कोई हेडेक उसमें भी नहीं है, लेकिन ये जैसे इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, बचा के चलना पड़ता है, तब भी कई बार नीचे गाड़ी में टच हो जाते हैं पत्थर। ये है यहाँ पे हाल। दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं चाचा चाची चंद्रा ढाबा, ये बहुत ही फेमस ढाबा है, यहाँ पे बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है और ये पड़ता है काजा से मनाली के रूट के बीच में। ये देखिए ये मेरे सामने है और अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पे अंदर घुसे सारे फॉरेनर हमको दिखे यहाँ पे, क्योंकि ट्रैवलर काफ़ी सारी आती है यहाँ पे रुकती हैं तो सब बाहरी लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हम लोग भी यहाँ पे खाने के लिए रुक गए क्योंकि काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं था। राजमा चावल, दाल चावल, कढ़ी चावल, क्या खाओगे? आओ तुम। एक राजमा चावल और दो कढ़ी चावल और एक चाय कर दीजिए। चाय भाई जी आगे मिलेगा। अच्छा ठीक है, ये तीन चीज़ें, एक राजमा चावल, दो कढ़ी, एक चाय दे दीजिए। तो अभी यहाँ पे मैंने मोनिस के लिए एक चाय बोल दी और यहाँ पे देख सकते हैं दो फॉरेनर हैं, उन्होंने अंकल से पूछा कि कितना टाइम लगेगा कहाँ जा तक की, तो उन्होंने बताया 4 घंटे लगेंगे, लेकिन तगड़ा ऑफ रोड है पूरा। तो गाइस अभी हम हैं फेमस चाचा चाची का ढाबा और ये हम अभी काजा से जा रहे थे मनाली, उसके बीच में ही पड़ता है और मनाली यहाँ इस ढाबे से मनाली बचा हुआ है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, लगभग 60 किलोमीटर हम लोग काजा से चले आए तभी ढाबा पड़ता है। और इस ढाबे के बारे में YouTube पे कई बार वीडियोस देखी थी, लेकिन जब यहाँ पे मैं आया और यहाँ के खाने को टेस्ट किया तो लगा कि सच में किस लिए फेमस है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है यहाँ का। तो हम लोगों ने अपना कढ़ी चावल और राजमा चावल और चाय मंगा दिया है, अभी आ जाएगा वो खा के फिर यहाँ से निकलते हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि जितने भी ट्रैवलर हैं सब यहीं पे स्टे कर रहे हैं। एक राजमा, हाँ ये देखिए कढ़ी चावल मारोगे और एक राजमा भी इनका आएगा। तो गाइस अभी हम लोग काजा से निकलकर मनाली की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में यहाँ पे पड़ता है चाचा चाची का ढाबा, गाड़ी हमने वहाँ पर लगा दी है सामने, ये लगी है और यहाँ पर ढाबा है, बहुत ही कमाल का अंदर मिल जाता कढ़ी चावल राजमा चावल वगैरह। तो हम लोगों ने खा के अभी बाहर फिर से जा रहे हैं, ये ले लिया केसर बादाम मिल्क और इसको लेके निकलते हैं यहाँ से, लगभग अभी 100 किलोमीटर यहाँ से मनाली बचा हुआ है, पूरा ऑफ रोड है, बहुत तगड़ा ऑफ रोड है भाई यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग अटल टनल पहुँच चुके हैं, ये देख सकते हैं ये है मेरे सामने अटल टनल और अभी टाइम हो गया है 7 बज गए रात के, मतलब हम लोग सुबह 8 बजे निकले थे काजा से और 7 बजे पहुँचे, 11 घंटे हमको लग गए यहाँ तक आने में, इतनी ज़्यादा रोड ख़राब थी भाई। अगर कोई भी इधर से आ रहा है मनाली से काजा जा रहा है तो अभी ना जाए, बिल्कुल रोड ख़राब है, अगर कोई काजा से मनाली की तरफ आ रहा है तब भी बिल्कुल ना है, बहुत ही रोड ख़राब है, पूरे 11 घंटे लग गए, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थी। अब थोड़ी देर के लिए रुके हैं, गाड़ी लगा दी उधर, अब देखते हैं थोड़ा फोटो वीडियो कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग मनाली की तरफ। तो अभी हम अटल टनल के अंदर आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया लाइटिंग है यहाँ की और ये लगभग 10 किलोमीटर का टनल पूरा ऐसे ही बना हुआ अटल टनल, ये देखिए। लेकिन काजा वाली रोड से अगर मनाली आने का प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल ना आना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उस पर पूरी रोड ख़राब है, पूरी रोड ख़राब है, मतलब हमें 11 घंटे लगे हैं सिर्फ 180 किलोमीटर के लिए, सोचिए इतना ज़्यादा रोड ख़राब है। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं मनाली, मतलब मनाली अटल टनल के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको क्योंकि रोड अच्छी है, तो अभी इतना टाइम लग गया सोचिए पूरे दिन से हम लोग सफ़र कर रहे हैं तब जाके यहाँ तक पहुँच पाएंगे 11 घंटे। तो गाइस कल हम काजा से निकलकर मनाली आ गए हैं, रात में 8 बजे मनाली आ गए थे, यहाँ पे स्टे ले लिया और रात में मॉल रोड वगैरह सब घूमा और काफ़ी लेट हो गया क्योंकि रोड इतना ज़्यादा ख़राब था काजा से मनाली वाला, बहुत ज़्यादा रोड डैमेज है। तो ये देख सकते हैं ये हमने गाड़ी नीचे लगा दी थी, ये होटल मैपल के पास में एक होटल है, इसका नाम तो मुझे अभी नहीं याद है, तो हाँ द न्यू रॉयल होटल है ये, उसमें हम लोग आके रुक गए थे रात भर। अभी सुबह के 7 बज रहा है, अब यहाँ से निकल लें, अब ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है वरना हम लोग अभी हरी मरेवी टेम्पल या फिर सोलांग वैली जाते दिन में, क्योंकि सोलांग वैली तो रात में निकलते चले आए थे टलन से होते हुए, तो रात हो गई थी वहाँ पे कुछ वीडियो फोटो नहीं हो पाया अब, लेकिन सीधे निकल रहे हैं हम लोग लखनऊ के लिए क्योंकि हमें लेट हो रहा है, तो 20 घंटे लगभग यहाँ से लगेंगे लखनऊ जाने में। तो अभी चलते हैं, फिर रास्ते में देखते हैं अगर कुछ बढ़िया होगा तो दिखाएंगे आपको। चलिए।